देखिए, आगामी जो बजट होगा 12 फरवरी को माननीय बिहार के सम्मानित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सरमान हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से जिस तरह पिछले 18 वर्षों से जो भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए निर्णय लिया गया, जो भी पिछले सत्रों में बजट पास हुआ है, जनता के हित में, बिहार के हित में, बिहार के डेवलपमेंट के हित में, बिहार के महिलाओं के हित में, बिहार के छात्र नौजवानों के हित में हुआ है, उसी तरह पूरे बिहार वासियों को ये पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आगे का भी बजट जो माननीय नेता के नेतृत्व में होगा वो पूरा पूरा जनता के लाभ के लिए होगा, जनता के हित में होगा। माननीय नेता पे पूरा भरोसा है बिहार की जनता को। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो युवाओं के लिए लगातार, आज आप देखेंगे कि चुनाव में आरक्षण देकर युवाओं को आगे लाने की बात हो, या 7 निश्चय के तहत छात्रवृत्ति योजना चला के, या पोशाक योजना चला के, साइकिल योजना चला के, हायर एजुकेशन में छात्रवृत्ति देकर, ये तमाम योजनाएं हमारे माननीय नेता ने पिछले दिनों चलाया है, जिससे कि युवा आगे आए और युवा के ऊपर नेतृत्व मिले उसको, और पूरा बिहार नहीं बल्कि देश का बागडोर युवाओं के ऊपर हो, इस पद किसके तहत हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा अपेक्षा रखे हैं कि 2 साल से जो दयनीय स्थिति थी हम लोग की, अब आने वाला आगामी जो सरकार आई है डबल इंजन की सरकार, उसमें हमारे क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री श्री सभराज चौधरी जी बने हैं और पूरा काम करने वाले पहले से भी हैं, और हम लोग पूरा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होगा और किसानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हम लोग किसान आदमी हैं और पूरी उम्मीद है डबल इंजन की सरकार के अंदर भी अब ज्यादा समर्थन करेगी, हम लोग ऐसा उम्मीद लेके बैठे हुए हैं और काम करेगा, हम लोग को भरोसा है। तो जैसे हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं, पानी नहीं आती है, बोरिंग वगैरह है, जो नहर है, नहर पहले हमारे रहते थे शकुनी चौधरी जी रहते थे विधायक, पूरा पानी लेकर के घर घर पहुंचाते थे। हम लोग पानी के लिए अभी पूरा खेत, अगला बार तो मैंने एक भी रोपा नहीं हुआ अगला साल, अब की रोपा हुआ थोड़ा, और कुछ प्रति भी रह गया, वर्षा के कारण कुछ खेती हुआ अब की बार अच्छा, लेकिन उम्मीद किए हुए कि अब की बार दाँड और सब जो है ना पूरा हरवाना डेम से ठीक करवाएगा, उम्मीद लेकर के हम लोग जी रहे हैं। और तारापुर के लोग हैं, पूरा भारी उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हुए हैं कि तारापुर का विकास निश्चित होगा और बिहार का भी विकास होगा, और युवा शक्ति है, हम लोग पूरा भरोसा रखे हैं। सम्राट किसान है, बहुत दुखी है, पहले सरकार से बहुत दुखी है, कोई मतलब बीज अनुदान बीज मतलब हम लोग को अब मतलब प्राप्त नहीं होता था। उसके बाद नई सरकार से उम्मीद है, श्री सम्राज चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या लगता है कि किसान के हित को लेकर क्षेत्र में काम होगा? बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगाए हुए हैं, लग रहा है कि काम करेंगे। किसान अभी पिछली सरकार में कितना त्रस्त थे किसान? बहुत ज्यादा त्रस्त थे हम लोग, नहीं पानी का व्यवस्था है किसान के लिए, नहीं कुछ नहीं, नहर तहर सब खत्म हो चुका है, उम्मीद है कि मतलब नहर हम लोग का हो और मतलब विकास हो और विकास होगा भी। केंद्र सरकार की बजट तो ढाक का तीन पात्र रहा है, अब बिहार सरकार के बजट को देखना है युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए दे रही है। क्या लगता है आपको कि जो सरकार के फैसले होंगे बिहार में उसमें किस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजट में? महिलाओं के प्रति और व्यवसायी, छोटे व्यवसायी जो है उनके प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए, कि कोविड के चलते भी लोग जो व्यवसाय है अभी भी सही ढंग से पटरी पे नहीं आ पाया है, सरकार को जो है छोटे व्यवसायियों के लिए सोचना चाहिए। बिहार जो है अधिकांश युवाओं से घिरा हुआ है, जो युवा वर्ग हैं अभी भी बेरोजगार हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या अपेक्षा करेंगे सरकार से बजट में? युवाओं के लिए नया अवसर सरकार को लाना चाहिए, जिस तरह से पिछले सरकार में जो महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव ने अच्छी नौकरी देने का काम किया, उसी राह पे अगर जो सरकार नहीं गठित अगर काम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा युवाओं को। कुल मिलाकर इस बार का बजट जो है युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है।